टॉपर्स कैटेगरी में आ जाओगे। कौन सी कैटेगरी में आ जाओगे बेटा? टॉपर्स कैटेगरी में। सर ये इतना बड़ा जंप पॉसिबल है इन 15-20 दिनों में? जी 100% पॉसिबल है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये जो पीरियड आने वाला है इंटरवल वाला, दिस पीरियड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी प्रीशियस। जो इसको इस्तेमाल कर गया, तो ध्यान सुनना, मान लो वो 11th में यहां है, ये मान लेते हैं ग्राउंड लेवल या एवरेज लेवल बोल देते हैं, एवरेज लेवल, अभी वो इतना ही ऊपर है। अगर आपने इस पीरियड को यूज किया तो आप टॉपर्स कैटेगरी में आ जाओगे। कौन सी कैटेगरी में आ जाओगे बेटा? टॉपर्स कैटेगरी में। सर ये इतना बड़ा जंप पॉसिबल है इन 15-20 दिनों में? जी 100% पॉसिबल है। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि हम लोग जब ट्रेनिंग करने गए तो वहां पर मुझे एक लड़का मिला जो कि कोटा के टाइम पे नहीं पढ़ता था अच्छे से, ठीक है, और वो मुझे वहीं पे ही थर्मल पावर प्लांट में मिला। तो जब उससे पूछा कि तूने क्या किया, या फिर उसका जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट था, कब उसने अपनी पढ़ाई पर काबू किया, बोले सर 11th और 12th स्टार्ट होने के बाद में, या बीच में जो गैप होता है ना, इस गैप में उसने अपने बैकलॉग, अपने टॉपिक वीक जो थे, और जो भी उसने पूरे साल में मक्कारी की उसको कवर किया। मतलब खूब पढ़ाई की, बहुत मेहनत, और मेहनत करके उसने अपना लेवल जो है वो टॉपर्स कैटेगरी का बना दिया, और वहां बनाने के बाद में फिर कभी पूछे आईडी में ना। मैं पहले ही बता चुका हूं सबके पास दो दो ऑप्शन है, या तो एंजॉय करो या फिर इस पीरियड का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। अब आप देख लीजिएगा।